दोस्तों बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। कुंभ राशि के पांचवें घर में उच्च के मिथुन राशि के राहु, जो कि 7 मार्च 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक परमानेंट अपनी मिथुन राशि में रहेंगे, इसका कुंभ राशि में क्या इफेक्ट होगा पांचवें घर में। पांचवा घर संतान की थोड़ी चिंता, लेकिन संतान की चिंता तो होगी, लेकिन संतान की चिंता मिट भी जाएगी। बच्चे सक्सेस होंगे, कंपटीशन में पास होंगे, उनकी जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, उनके एग्ज़ाम अच्छे हो जाएंगे, बच्चों के ब्याह शादियों की जो प्लानिंग चल रही थी कुंभ राशि वाले लोगों की, वो एकदम सॉल्व हो जाए, पक्का सॉल्व होने वाली है। आपके अगर बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, उनके रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो अब आपकी टेंशन ख़त्म। राहु देव ने पंचम में उच्च के और 11 में केतु, आपको बैंक से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। कोई सब्सिडी लेना चाह रहे हैं, सब्सिडी मिल जाएगी। कोई बड़ा धन कहीं से आवेदन किया हुआ है, कहीं से बड़ा पैसे का लेन देन आपने प्लान किया, वो मिल जाएगा। कुंभ राशि वालों को मुझे लगता है राहु देव ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट देना है। सितंबर 2020 तक राहु देव का आप धन्यवाद करना, अच्छे कर्म करना, जीवन साथी के साथ थोड़े से अच्छे अच्छे विचार मिला के रखो। पांचवा घर वैसे लव का होता है, प्रेम का होता है, बुद्धि का होता है, एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का, इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। किसको? कुंभ राशि वालों को और कुंभ लगन वालों को और जिनकी जन्म राशि कुंभ है, उन सब को बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों कुंभ राशि वालों को उपाय क्या करना है? 7 प्रकार के अनाज जो हैं वो आपने पक्षियों को डालते रहना है और पेड़ पौधे दबा के लगाने इस साल में। और पेड़ पौधे कौन से? नीम के पेड़ अगर लगाएंगे तो मजा आ जाएगा।